व्यूअर्स, मैं जो मुल्तान में फिर रहा हूँ, अभी आया था मैं, तो मेरे जो नाना बू हैं वो एक तंजीम चलाते थे पाकिस्तान यूथ लीग के नाम से। तो जी आज खैर से वो रखते थे, असल में अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी याद में हम वो जो काम करते थे, जो तरकीब तकरीब करते थे, वो हम भी करते हैं। सो बात कुछ यूँ है कि अभी मैं ज़रा अपनी खाला, मेरी असल में चलाती है सब, मैं उनके साथ थोड़ा बिजी हो गया, पर अभी मुझे बेसिकली लेने भेजा है केक। तो अब हम मुल्तान की बयाबान गलियों में केक ढूंढने निकल गए, और बड़ी अच्छी सिचुएशन है। तो बस अब हम मुल्तान एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन देखो गर्मी कितनी है, मैंने कोई वो नहीं पहना हुआ, ये होता है मुल्तान। हमने गूगल पे चेक किया, 21 और 13 के टेम्परेचर का फ़र्क था, पेशावर में मतलब बहुत कम है टेम्परेचर और यहाँ है 21। तो बस ये हिसाब है। बेकरी पूछते फिर रहे हैं, ये बेकरी किधर है? अभी भाईजान ने कहा थोड़ा सा आगे जाके किसी हाथ में, एक ही दिन में खुद को पश्तो से उर्दू में बदलना बड़ा मुश्किल काम है। मैं हूँ उर्दू स्पीकिंग, लेकिन आदत है ना, मतलब जो भी पूछना है लोग गैर लोगों से पश्तो, यहाँ बस खैर अल्लाह खैर करे। वॉक शुरू हो गई है मेरी, यहाँ की हो जाएगी अब पतले। जी केक हमने ले लिया, अभी एक और काम रहेगी आपको, पेन और पेपर लेने हैं। अब हम स्टेशनरी की दुकान ढूंढेंगे, आज तो मैं तलाश कर करके तलाश हो जाऊंगी। मिल गई यार, अल्लाह खुश रखे मेरी आंखों को, मिल गई। अब हम लेते हैं पेन और पेपर। तो इस पीछे दुकान से हमने वो भी ले लिया, कागज और पेन। अब पैरों को बनाना है बाइक और भागना है, क्योंकि मुझे उसके चौकीदार ने कहा था बेटा पैदल जा सकते हैं, भाई जान ये तो बताओ किलोमीटर का रास्ता है, तो जल्दी जब काम होता है तो जल्दी जल्दी हम काम कर लें, ना भाई ना, हमारी तो सुननी नहीं है। खैर पराए पराया शहर कह भी नहीं सकते, अपने इधर बहुत रहते हैं, बट हमारे लिए तो पराया ना, मतलब जहाँ नहीं रहते तो पराया होते ना। बाकी छोड़ो, अब हमारे कदम चेक करो यार, इससे मुझे कोई और वीडियो याद आ गई है, छोड़ो वो पेट मटका मटका के जो चलते हैं। हाय हाय, चलो आज चलें, बल्कि मैं ही चलता हूँ, आप छोड़ो, आप बैठ के देखो मूवियाँ, मतलब मेरी मूवी। ये मगरिब का टाइम हो रहा है और सामने आने वाले मुल्तान लॉ कॉलेज एट एयर इन कफानीवाल रोड, ज़्यादा मुझे नहीं पता है कोई बात, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं, तो कफानीवाल रोड पे मुल्तान लॉ कॉलेज है। अगर मैं आई कांटेक्ट नहीं रख पा रहा तो माफ़ी, इधर आई कांटेक्ट ना रखा ना तो किसी बाइक ने मुझे मार देना।
लेकिन मुझे ज़िंदगी बड़ी अजीज है, सिखाता हूँ आपको मुल्तान लॉ कॉलेज आकर। आगे बस करिए गई है बैक कैमरे से। वो तो भी के कटेगा उसकी छुरी, मैं लेके जा रहा हूँ। हम आगाज़े कत्ल कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी खा लें, अच्छा नहीं लगता ना क्रीम केक में। आप जी, ये मेरा कैमरा स्टेबलाइजेशन में बहुत ही बकवास चल रहा है, तो मैं ये कह रहा था अच्छा नहीं लगता पानी वाली छुरी लेके। चलो आहिस्ता चलो। अब हमें एक लफ्ज सुनने को मिलता था कि बेटा आहिस्ता बोलो, आहिस्ता चलो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे खता हो जाए, मैं तारीख लिख रहा हूँ। कल को तारीख ने आके मेरा गर्दन पकड़ लिया या तुम लोगों से पूछ लिया ये लफ्ज गलत क्यों लिखा था, क्योंकि तारीखें बयान करती हैं शख्सियात को भी और माशरों को, रियासतों को। ये ऐसे हमारे जी भाई, हमें बड़ा वक्त हो गया यहाँ, पता नहीं कितनी देर होगी, तो एक मिनट में स्टेबलाइजेशन बंद करूँ, बहुत बेकार रिजल्ट। हाँ, तो मैं कह रहा था अभी केक कटेगा, अंदर बड़ी सेलिब्रेशन चल रही है हैप्पी न्यू ईयर की, तो ये सारा मुशायरा वगैरह जो होता है वो सारा था, थोड़ी बहुत आपने क्लिप्स देखी होगी, ज़्यादा मैं डाल नहीं सकता, व्लॉग मेरा फिर 4 दिन का हो जाएगा, इसलिए बस मुझे पता है व्लॉग ये लंबा हुआ क्योंकि मैंने कल का थोड़ा सा दिन और आज का थोड़ा सा दिन मिलाया है, मैं इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ ताकि मेरा बात ज़रा कम हो जाए, आप लोग कहते समय ज़रा स्लो बोलते, तो बस ये बात है। अभी ये प्लेट वगैरह बनी ये हो गया, प्लेटें चमचे वगैरह रखेंगे अंदर और केक कटेगा। मैं अपनी खाला के साथ आया हूँ और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है और झुक झुक दियो, एंजॉय करो। जी केक लगाते हुए थोड़ा सा हाथ भी लग गया, वो ज़रा मैं साफ कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई इंतज़ाम कर रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, अच्छा लगता है। ओ माशाल्लाह, ये कहाँ से आ गया, ओ बुरा नहीं लगना चाहिए। हाय हाय, अच्छा ये तो क्या बताना चाह रहा था, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो रूम है ना, ये ला कॉलेज के अंदर में खड़ा हूँ और ये जो रूम है इधर हो जाए सारा मुशायरा। हाय, मेरे नाना अबू गए, हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बस आपका भाई ऑर्गेनाइजर हो। उमर अली बलोच को करवट करवट जन्नत नसीब करे, उसकी कब्र को अल्लाह पाक जन्नत का एक बाग बनाए, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला तमाम आफ़ातो बलियात से महफूज रखे, अल्लाह पाक तमाम को हर किस्म की मुताजी माजूरी से महफूज रखे, अल्लाह ताला आप सबको तमाम बीमारियों से महफूज रखे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही نور الشيء محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمت الله عليكم يا كهتا رتا کیونکہ تیری ہو اب تیری ہو عمر سریا
आपके भाई का नंबर बड़ा मशहूर हो गया जी, जरूर फोटो बनानी है भाई। जी हमने बैनर उतार लिया और प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है। आज का तो दिल चाह रहा है कि मैं ना ये जो है सारा ब्लॉग जो है पाकिस्तान यूथ लीग के नाम कर दूँ, पाकिस्तान यूथ लीग हो गया सारा आज का। तो चलो खैर मज़ा आएगा। अभी ये एक और बैनर लगा ये दिखाता हूँ और खुद ही अपने हाथों से इसको चीर देता हूँ। नहीं नहीं अल्लाह माफ़ करे, ये देखो ये बैनर लगा हुआ था और इसको निकाल दिया। चलो जी तो मैं गाड़ी में हूँ अपनी। खैर ये देखो सीट पे फूल पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ से दुल्हन गई हो। तो माई लेजेंडरी कार, आवर लेजेंडरी कार इस पर पार हेयर एंड इतनी आवाम आई थी। देखो कुछ जा चुकी है कुछ आई थी, तो यही हिसाब है यार। अच्छा चंगा व्लॉग बन गया आज मेरे हिसाब से। चलो भाई जाने का टाइम हो गया भाई फाइनली। अच्छा जी अल्लाह के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ ये जापानी है ना, बोले ना तो इसको सुकून नहीं मिलता। चलो खैर जाते हैं। ओ अब हम फाइनली जाने लगे हैं, मेरी खाला इधर कहीं खड़ी है वो आ जाए तो फिर हम चलते हैं। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा यार, वैसे बड़ा अच्छा लग रहा होता जब बड़े बड़े लोग ना मतलब यहाँ ना सारे शायर आए हुए थे, मुल्तान के होंगे कोई, बावलपुर का होगा, जहाँ का भी होगा ठीक है। तो मुल्तान लोग को वजह से थोड़ा सा दिखाऊँ, ये देखो ऊपर देखा भी है दिख जाए। तो दिस इज़ मुल्तान लॉ कॉलेज जहाँ मैं खड़ा हूँ। और मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे बड़े बड़े लोग मिलते, अलग करे कि मैं फेमस हो जाऊँ तो और भी बड़े बड़े लोग मिलेंगे। बाकी पता नहीं यार कितना बड़ा ब्लॉग चला गया, अल्लाह बरकत दे। अच्छा जी तो ये थे हमारे तला साफ शक्ल ठीक कर रहे थे। हाँ सबसे पहले इन्हें मुबारक दे, इन्होंने नया मोबाइल लिया और क्या खेल रहे हैं पबजी खेल रहे हैं। माशाल्लाह कहना भाई माशाल्लाह, माशाल्लाह लगा देना बुरी नजर है। हाँ भाई माशाल्लाह कहो। और बात यह है कि मैं आ गया था वहाँ से, पौने 12 हो रहे हैं अभी और बस अभी थोड़ी देर तक सो जाएंगे। अभी थोड़ी सी हम पबजी सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं मोबाइल सीख रहे हैं बेसिकली। सो ही इज़ वेरी बिजी। हाँ मेरा भाई जो है वो मेरी दूसरी खाला के घर गया हुआ है मेरी जगह, बस व्लॉग को करते हैं। बहुत बड़ा हो गया होगा, 40 मिनट तो कहीं नहीं गए खैर से। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा डिफरेंट था तो अच्छी बात है, मुझे पता लगेगा बाद में। हाँ ये सस्पेंस में ये बार पूछ रहा क्या है, तो बस आपको पता है क्या क्या है ठीक है। तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो मज़े मज़ेदार कमेंट। आजकल कोई कमेंट नहीं कर रहा, वीडियो नहीं चल रही, 40 व्यूज़ आते हैं सिर्फ मर मर के। क्या हो गया भाई सेंचुरी तो मारो कम से कम। हाँ सेंचुरी मारो मतलब सेंचुरी से दो 200 से भी ज़्यादा हमारे वो हैं सब्सक्राइबर, तो बात तो बनती है। खैर ये लोग इसने भी ब्लॉगिंग छोड़ दिए, अब शायद मोबाइल लिए तो शायद उम्मीद है। पहले तो बर्बाद मोबाइल यूज़ करते थे, वाला दिया देखते हैं क्या होता है क्या होता है। चलो जी कल उठा नहीं हो गया कल ये कैमरे में ऐसा आ रहा अब ये चीज़ मैं को चिट्ठी आ रहे मैं काला कैसे हो गया।
अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है? आज वो दिन चल रहा है जिस वक्त हम पेशावर जा रहे हैं, हम मतलब कि मैं और अब्बू, ठीक है, और भाई और अम्मी को अभी हमने नानों के पास छोड़ा है। दुआ करें उनकी तबीयत ज़रा बेहतर हो जाए, और क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। अल्लाह उनका सर हमारा उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। सुबह का टाइम है, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। बाकी मुल्तान में आज सर्दी हो गई है, हमारे जाते हुए ज़रा दिखा दिए मुल्तान ने कि हाँ भाई मैं भी ठंडा इलाका हूँ, वरना अब तक कोई चांस नहीं था। खैर अभी हम जो हैं पेट्रोल पंप में खड़े हैं और पेट्रोल भरा जा रहा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर की तरफ रवानगी। हो सकता है इससे आगे मैं आपको व्लॉग बनाऊँ, ये व्लॉग आपको ये आज कोई होगी 5-6 जनवरी होगी जो आप देख रहे हैं। मैंने जब अपलोड की कोशिश यही होगी कि इस वक्त तक कर दूं मैं, बाकी अभी फ्यूचर का मुझे नहीं पता कि क्या सीन होता है। बस एक मिनट की नहीं, डेढ़ मिनट की मैंने बात कर ली। अल्लाह हाफिज़, खुशी हुई आपसे मिल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं चक्री पहुंच चुका हूं खैर खैरियत से, बल्कि मेरे साथ बब्बा भी पहुंचे थे। तो अभी ज़रा सर्दी हो गई है तो मैंने ज़रा हीटर ऑन किए, 13 डिग्री चल रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि कोट वगैरह स्वेटर वगैरह क्यों नहीं पहना, तो यार वो ये पड़ा हुआ है पीछे इसलिए नहीं पहना, सुस्ती, व्हाट यू कैन से। एंड दूसरी बात ये है कि यार अभी आप लोगों ने वीडियो देखी कि यार क्या कमाल मेहरान, मतलब यार 16 मॉडल थी सही, बाहर से जो सही उसका डिज़ाई हुई थी। लेट मी कैमरा सफाई, अब आया ना क्लियर HD, वो पता नहीं इतनी देर से मैं क्या दे रहा था। तो हाँ यार मेहरानों में बड़ा ज़ोर होता है। मैं 115 क्रूज में जा रहा था, आपको तो पता ही है क्रूज़ वाले लोग अलग बादशाह होते हैं, मोटरवे पे रेस कर रहे होते हैं लोग, हम अपनी स्पीड में कभी तेज़ हो जाते हैं कभी नॉर्मल। सो हम तो अपने क्रूज़ में थे 115 के, वो मेरे से भी आगे जा रहा था, तकरीबन कोई 200 मीटर तो आगे होगा, मतलब 125। वाह वाह, कौन कहते हैं मेहरान 100 से ऊपर नहीं जाती भाई। अच्छे अच्छे ड्राइवर अच्छे होने चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए, बाकी मेहरान में जोर बड़ा। बाकी यार समझ नहीं आ रही मैं व्लॉग कब एंड करूँगा, कितनी दफ़ा तो आपको कह दी मैंने अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हो रहा नहीं है, बहुत लंबा व्लॉग चला गया, अल्लाह खैर पता नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। Girl about a 10, I should fuck her in the best, yeah.